श्री राजेश ऋषि जी। अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे क्षेत्र की समस्या 280 में उठाने की मेरे को परमिशन दी। अध्यक्ष जी मेरा क्षेत्र पड़ता है वार्ड 105 महावीर इनक्लेव। इसके अंदर अगर हम जरा सी भी खुदाई करते हैं, 2 फीट 3 फुट खोदते हैं तो पानी आ जाता है नीचे से। ये स्थिति महावीर इनक्लेव पार्ट 2 पार्ट 3 और मेरे ख्याल से पार्ट 1 जो पालम में है वहां भी यह स्थिति है, और तो और द्वारका क्षेत्र है वहां भी यह स्थिति है। इसका मेन कारण है पालम ड्रेन, जिसको आज ड्रेन कहा जाता है। एक जमाने में यह नहर थी और यह नहर थी और दोनों तरफ का इलाका जो था कम से कम 10 से 15 फीट नीचा था और पानी उस नहर से लेकर दोनों तरफ खेती बाड़ी हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली की बसावट बढ़ती चली गई तो दोनों तरफ भरत होती गई और भरत होने के बाद यहां पर एक कंजस्टेड एरिया बस गया है जो अनऑथराइज कॉलोनी है दोनों तरफ। अब ये जो नहर थी इसको नाले में बदल दिया गया। नाले में बदलने के बाद ये था तो पहले फ्लड वालों के पास, लेकिन जब जैसी नाले में चेंज होने के बाद इस पे डीडीए ने सड़क बना दी। एक चौड़ी सड़क है, बहुत चौड़ा नाला है। सड़क बनने के बाद डीडीए ने कभी भी इसी नाले की सफाई नहीं की, जबकि इसे 15-16 साल हो गए नाले को बने हुए। जब ये नाला बना था उस समय पानी जो था लगभग 12 से 14 फीट नीचे था, अब पानी 3 फीट तक आ गया ऊपर। और इसके कारण ही सारे एरिया में जहां भी लीकेज नाले की है वहां से दोनों तरफ, पालम की तरफ भी और हमारी तरफ भी, वो नाले का पानी लीक होके उधर तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जिसका अभी हमको छठ घाट जो है हमारा द्वारका में, वहां देखने को मिला छठ घाट में पानी नीचे से नाले का आना शुरू हुआ। बहुत कोशिश की, सामने हमारे भाई बैठे हैं मिश्रा जी, इनके क्षेत्र में नाले के पानी इतना ऊपर आया कि वहां छठ करना बहुत मुश्किल हो गया। अभी उसका ये काम उद्धार कराने में लगे हुए हैं, लेकिन सर ये हो नहीं सकता जब तक इस नाले की सफाई नहीं होगी। मैंने बहुत कोशिश की, सत्येंद्र जैन जी उस समय मंत्री थे यहां, मैंने बहुत कोशिश की कि इसको नाले को फ्लड को ट्रांसफर किया जाए जो डीडीए के पास है। ये नाला अभी डीडीए के पास है। डीडीए से फ्लड वालों ने कहा कि आप इसे एक बार साफ करके दिखा दें, हम इसको लेने को तैयार हैं। लेकिन सर हम पहले भी उठा चुके हैं इस बात को, ये नाला आज तक साफ नहीं हुआ। मैं डीडीए के चीफ इंजीनियर से कई बार मिला तो बोले कि सर ये साफ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सिस्टम मन में बनाया था वो कामयाब नहीं हुआ। तो सर ये स्थिति हो गई है, इस नाले के कारण दोनों तरफ पानी भर रहा है, घरों में भर रहा है। गरीब आदमी बड़ी मेहनत से मकान खड़ा करता है, जब जरा सा वो खोदता है नीचे तो पता चलता है नाले का पानी उसके आ रहा है वहां पर। सरकार मैं ये चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप डीडीए से कह के इस नाले की एक बार सफाई जरूर करा दें, क्योंकि मेरा मानना है जब ये नाले की सफाई होगी तो इसके अंदर से बहुत सारे इंसानों की लाशें भी मिलेंगी जो आज लापता हैं। क्योंकि मैं पटना में था, मेरे वहां पर भी एक पटना में ऐसे एक नाला था जिसको खोद मतलब जो ढक दिया गया था, जिसको हाईकोर्ट के द्वारा परमिशन मिली, पूरा नाला खोला गया तो उसके अंदर से करीब 35-40 लाशें निकली थी। आज भी यही स्थिति होगी इसके अंदर, क्योंकि जगह जगह पर होल बने हुए हैं कुछ भी फेंकने के लिए, और इसके अंदर कुछ भी लोग फेंक जाते हैं पता ही नहीं चलता। अभी डीडीए ने थोड़ा बहुत काम किया है, मैं डीडीए के हमारे मंत्री बैठे हैं, हम तो मंत्री ही कहेंगे, सोमनाथ भारती जी हैं, हमारे दिलीप पांडे जी हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आप डीडीए से हमारे इस नाले की सफाई करवा दें ताकि लोगों को इस जो घरों में पानी आ रहा है इससे निजात मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और माननीय पांडे जी भी यहां बैठे हुए हैं, तो हम दोनों ये सदन को प्रॉमिस करते हैं कि जी जो उन्होंने मुद्दा उठाया है इसको हम विजी साहब के सामने उठाएंगे, एली साहब के सामने उठाएंगे और करके दिखाएंगे। धन्यवाद।